नमस्कार दोस्तों, एक नए शेयर के बारे में बात करेंगे। विश्वराज शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसमें भी मौका है खरीदारी करने का। तो अगर आपके पास ये शेयर है तब तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। नहीं है तो भी आप देखिएगा, हो सकता है इसमें आपको जो है कुछ आगे प्रॉफिट हो जाए या फिर खरीदारी करने का लेवल उबल मैं बताऊँगा आगे। समझ में आ गया, इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बदला हुआ है और ख़ास करके मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैं जब पीछे देखा तो इसके और कई सारे अपडेट 25 तारीख के भी आए हैं और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 23 तारीख के भी आए हैं, 21 तारीख के आए हैं, तो उनको भी यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो इसके एजीएम का आउटकम आया है। एजीएम इसका 25 सितंबर 2024 को होने वाला था। यही पीडीएफ है, 10 पेज का ये पीडीएफ है, बड़ा सा। तो पूरा मैं पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जो समझाऊँ यहाँ पे मैं बता दूंगा। 25 वेडनेसडे 25 सितंबर 2024 को इनकी जो है एजीएम हुई थी 11:30 AM पे, और उसी का आउटकम यहाँ पे आया है। 29वीं एनुअल जनरल मीटिंग की एजीएम हुई है। इस एजीएम में कई सारी बातों पे विचार किया जाता है, कई सारी रेजुलेशन को पास किया जाता है। सारे इनके डायरेक्टर वर्क्टर सब कुछ यहाँ पे जो है अवेलेबल थे। सबसे पहले तो पहला रेजुलेशन कंपनी यहाँ पे पास की है कि जो इनका फाइनेंशियल रिजल्ट है मार्च 2021-2024 वाला, उसको अडॉप्ट किया जाएगा, उसको अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद डिक्लेयर डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है 20 पैसे का, उसको अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर देखेंगे नीचे के साइड में यहाँ पे हम लोग, तो कुछ अपॉइंटमेंट होने वाले डायरेक्टर जैसे स्नेहा नितिन देव का अपॉइंटमेंट होने वाला, उनके लिए अप्रूवल होगा, मतलब लिया जाता है, वोटिंग होती है उनके लिए। वहीं पे अपॉइंटमेंट डायरेक्टर के तौर पे यहाँ पे कुछ रमेश कट्टी कुछ करके हैं, उनका जो है अपॉइंटमेंट होने वाला, उनके लिए जो है वही चाहिए वोटिंग अनुमति चाहिए शेयर होल्डर का। पोस्ट ऑफ एडिटर, एडिटर के पोस्ट के लिए भी यहाँ पे जो है वोटिंग होगी, 1,80,000 कुछ उनको देना है, तो उसके लिए यहाँ पे होगा। वहीं पे रीअपॉइंटमेंट, वहीं पे निखिल कट्टी करके हैं, प्रमोटर ग्रुप से हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर MD और चेयरमैन के पद के लिए इनको जो है रीअपॉइंट फिर से किया जाएगा, तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल मिल गया तो अपॉइंट हो जाएंगे, नहीं तो रीअपॉइंट। वहीं कुछ कट्टी जो है उनको भी डायरेक्टर के तरफ से होल टाइम डायरेक्टर के तौर पर स्पेशल रेजुलेशन के तहत जो है इसको भी पास किया जाएगा, तो इस तरह से। और वहीं पर देखेंगे इंक्रीज ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ये भी स्पेशल रेजुलेशन के तहत पास किया जाएगा, इसके लिए भी वोटिंग होगी। तो इन कई सारी चीज़ों पे बात चलेगी। देखिए मेन अगर देखेंगे तो कंपनी QIP के जरिए से पैसा रेस करने वाली है, और उसका वो इंक्रीज शेयर कैपिटल था ना, वही यहाँ पे QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा कंपनी फंड रेस करने वाली है। कंपनी ने उसका सब प्राइज राइज भी इशू कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे 16 रुपये 64 पैसे, 16 रुपये 64 पैसे के प्राइस पे कंपनी ने QIP लॉन्च किया है, QIP इशू किया है, जिसमें 14 रुपये 64 पैसे प्रीमियम है और 2 रुपया इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है, उस 2 रुपये फेस वैल्यू पे कंपनी जो हम लोगों को यहाँ पे मतलब 2 रुपये फेस वैल्यू वाले 14 रुपये 64 पैसे के प्रीमियम पे यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये कंपनी कितने शेयर अलॉट करने वाली है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 3,47,700 इक्विटी शेयर QIP के जरिए जो है एलिजिबल QIP इंस्टीट्यूशनल बायर, तो इसने मतलब इक्विटी शेयर इशू कर रही है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। 21 तारीख को मेरे हिसाब से इसका QIP जो है वो ओपन हुआ था, तो देख लीजिएगा, ये अपडेट आया था। अब ये अपडेट तो हो गया, ये सभी लोग आपको बता चुके होंगे, मतलब कोई भी एक नॉर्मल जो इसके विश्वराज शुगर पे वीडियो बनाया होगा बंदा ना, वो बताया होगा, क्योंकि मैं इसको डेली फॉलो नहीं करता हूँ। आप लोग सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं डेली वीडियो बनाऊंगा या फिर समय समय पर वीडियो बनाऊंगा, दो दो तीन तीन दिन पे। अब इसमें एक अपडेट आया है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न का, मतलब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव देखने के लिए मिला है। ये दो न्यूज की मैं बात कर रहा था अभी जो आई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, आज गैप अप से ओपनिंग हुआ और उसके बाद डायरेक्ट गिरावट आई, शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसके बदलाव हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखेंगे तो 21 सितंबर 2024, हालांकि अपडेट तो आना चाहिए बिल्कुल सितंबर के बाद, जब सितंबर मतलब बीत जाए तब सितंबर क्वार्टर का सीधा अपडेट आना चाहिए, जून के बाद सितंबर का, 30 सितंबर का, लेकिन 21 सितंबर का ही अपडेट कर दिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर की होल्डिंग घट गई है इसमें, प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे यहाँ पे 33.69% से मतलब 34% से घट के अब जो है 29% के आसपास हो चुकी है। वहीं पे पब्लिक की होल्डिंग 66.66% से बढ़ के 71% हो गई। अब इसमें ये नहीं दिखाता है कि FII का कितना बड़ा, DII का कितना बड़ा, किसका कितना, लेकिन FII की होल्डिंग उम्मीद से ज़्यादा मतलब एकदम भयंकर तरीके से बढ़ गई है। वहीं मैं यहाँ पे देख भी रहा था, पहले मैं सीधा सीधा बता दूँ,
जून से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो 34% से घट के 29% अब प्रमोटर की होल्डिंग हो गई है, जिसमें प्रमोटर का ही घटा है, होल्डिंग क्लियर है। एफआईआई की बात करेंगे तो पहले 0.13% था, मतलब ना के बराबर था एफआईआई की होल्डिंग, अभी देखिए कितना हो गया है। अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग लगभग 14% के आसपास एफआईआई की होल्डिंग हो गई है, मतलब सीधा सीधा कह लें कि 13.5%। अब इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, 13.5% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है एफआईआई के होल्डिंग में जून से लेके जुलाई में, मतलब 3 महीने। 3 महीने क्या, वो 21 का ही है अपडेट है, तो कह लीजिए कि 2.5 महीने में, 2.5 महीने में 13% स्टेक बढ़ा है। बस इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें कितना ग्रोथ आने वाले समय में मिलेगा। वहीं पे डीआईआई की होल्डिंग बिल्कुल जीरो थी, बहुत पहले से जीरो थी, अब 0.3% बढ़ चुकी है, मतलब उनकी भी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी है। घटी किसकी है, तो प्रमोटर की घटी है सबसे पहले, ठीक है ना, लगभग लगभग 5% के आसपास, और उसके बाद पब्लिक, पब्लिक 66% पब्लिक की होल्डिंग थी, यहाँ पे देखिए 66%, अब घट के वो जो है इसको सीधा सीधा कह लें 57% के आसपास हो चुकी है, 9% के आसपास यहाँ पे घट चुकी है पब्लिक की होल्डिंग। पब्लिक का और प्रमोटर का दोनों का घटा है, और बढ़ा किसका है, एफआईआई का, जबरदस्त तरीके से बढ़ा है भाई, एकदम मजा आ गया। और यही मैं देख रहा था कि कोई बड़ा नाम तो नहीं ना है जिसका बढ़ा है, तो बड़ा नाम जाना पहचाना जो मैं नाम पढ़ता हूँ वो तो नहीं है, न्यू मिल कुछ ग्रोथ फंड लिमिटेड है, 7.5% खरीद लिए हैं, और एक सेंट कैपिटल है, इन्होंने भी 3.25% खरीद लिया है, और उसके बाद एक नव कैपिटल VCC है, इन्होंने भी 1.5% खरीद लिया है। तो ये जबरदस्त जो है खरीदारी DIFII की तरफ से हो रही है, तो इसी वजह से आप लोग जब देखे थे ना कि उस दिन ये बड़ी वाली तेजी, उसी इसी वजह से, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न की वजह से, और उसी QIP के लॉन्च होने के मतलब वजह से हुई थी, बढ़िया से तेजी देखने के लिए मिली थी उस दिन। मुझे, मैं देखा था कि तेजी हुई थी, लेकिन मुझे लगा कि चलिए वैसे सब बहुत सारे शेयर भागते हैं। जब आज मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का रहा देख रहा था, तब मुझे पता चला कि इसका बड़ा है, तो फिर मैं सोचा वीडियो बना देता हूँ। करना क्या है, देखिए करना इसमें वही है जो हर स्टॉक में करना होता है, खरीदारी करना है, ठीक है ना। और इसलिए मैं बोला शुरू शुरू में कि आपके पास अगर ये शेयर नहीं है तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो हो जाएगी, कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा के जाएगी भाई। आपका भी अगर स्विंग ट्रेडिंग का है तो भी आप खरीदेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एक यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा ट्रेड, जो हम लोगों का टारगेट बन जाएगा इसमें 22.5 रुपये का, और उसमें जो है स्टॉप लॉस आपका बन जाएगा 17.5 रुपये के नीचे का, तो 17.5 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस और 22.5 रुपये का टारगेट, ये बन जाएगा हम लोगों का स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड का मतलब है कि 2 वीक, 2 वीक से पहले 1 वीक में भी टारगेट अचीव हो सकता है, 2 वीक का मतलब है कि एक आध वीक और एक्स्ट्रा भी ले सकता है, मतलब 1 महीने तक, तो 2 वीक से 1 महीने का आप लोग उनको इसमें ट्रेड लेना है। और अगर ये 17.5 रुपये के नीचे जाता है, डेली कैंडल क्लोज करता है, तो आप लोग इसमें से एक बार के लिए स्टॉप लॉस ले सकते हो। वहीं पे एक और यहाँ पे ट्रेड बनेगा हम लोगों का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला, जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। टारगेट की बात करेंगे यहाँ पे इसमें हम लोग, तो टारगेट इसमें हम लोग को शॉर्ट टर्म में मिलेगा लगभग लगभग वही कहेंगे कि 26 रुपये के आसपास का, 26 रुपये मान के चलिएगा आप लोग, 26 रुपये के आसपास का इसमें एक ट्रेड बनेगा, और इसके लिए फिर हम लोग को स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा 16.5 रुपये के नीचे का। देखिए मेन स्टॉप लॉस इसका 16.5 रुपये वाला है, लेकिन रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को मैच करने के लिए मैंने इसमें छोटा एक स्टॉप लॉस 17.5 रुपये का बता दिया। अगर आपके पास क्षमता है, अगर आप फॉलो कर सकते हैं, तो थोड़ी क्वांटिटी छोटी करके आप भी मतलब स्विंग ट्रेडिंग वाले भी 16.5 रुपये के नीचे का ही स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा, ये बेहतर स्टॉप लॉस रहेगा। और आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए टारगेट के लिए 22 रुपये वाले टारगेट के लिए भी जा सकते हैं, और 26 रुपये वाले टारगेट के लिए जाता हूँ। ये दोनों टारगेट और दोनों स्टॉप लॉस को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, खास करके 16.5 रुपये वाले, बिल्कुल स्ट्रांग, मतलब कह लें स्ट्रांग मेरे हिसाब से जो है व्यू है इसमें खरीदारी करने का। और जो ये अब तेजी आई है ना यहाँ से जून से लेके सितंबर, इसी रेंज में, यहीं इसी इतने इस समय में 13-13.5% स्टेक जो है FIIs का बढ़ा है, ये भूलिए मत, ठीक है ना। तो उनकी भी खरीदारी इसी के अंदर अंदर है, तो अगर इसी के अंदर, तो ये वाले अगर लो पे होगी उनकी हिस्सेदारी खरीदे होंगे तो इसके लो नहीं, लो के नीचे नहीं जाने देंगे, लेकिन अगर ये वाले कॉन्सोलिडेशन में अगर वो 13% हिस्सेदारी खरीदे होंगे तो फिर इसके लो के नीचे नहीं जाने देंगे। तो इसीलिए हम लोग का 16 रुपये का स्टॉप लॉस हर एक तरह से बढ़िया रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मैं एक एक दो दो दिन तीन तीन दिन पर इसको कवर करता रहूँगा अपने 4 शेयर वाली वीडियो में। तो देख लीजिएगा, लाइक करिएगा ज़रूर, ठीक है ना।